न्यूज़ बिहार और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक पांडे। आइए आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि यूथ ब्रिगेड बिहार संगठन है, जिसका अध्यक्ष भी हैं शायद, और युवा नेता हैं और समाजसेवी भी हैं, लोगों के लिए अच्छा कार्य करते हैं। और जहाँ भी किसी को दिक्कत होता है, खासकर स्टूडेंट को, तो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए आज मिलवाएंगे, इनका नाम है सौर्य नंद। तो नमस्कार, एबीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं गणतंत्र दिवस स्वतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये बताइए कि बिहार यूनिवर्सिटी का जो अभी चल रहा है लोचा, बच्चों को जो है एग्ज़ाम लेने में इतना काफ़ी दिक्कत हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, जैसे कि 19 से 22 वाला सेशन था, उसका 2 साल पे एक बार एग्ज़ाम लिया गया, फिर अभी उसके बाद वाला भी सेशन है, तो सब सेशन लेट चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक हमारे देश में या सभी देशों में वैश्विक महामारी है, जिसके कारण सभी सेशन लेट हो गए, लेकिन हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों को भी कभी कमी है, जिस पर कुलपति महादेव सोचते नहीं हैं, और बच्चों का आए दिन क्रॉस लगना, प्रमोट होना, अगर एक प्रमोट हो गया तो उसमें अगर वो गए प्रमोट क्लियर कराने तो एक एक महीना उनको दोहराया जाता है, और वही किसी दलाल के थ्रू जाने पे 5 से 7 दिन में काम हो जाता है, और ना ही कोई सुविधा नहीं है हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में, और महान व्यक्ति के नाम पर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी चलता है, तब भी उनके नाम का भी कोई प्रभाव हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं है। किसी भी प्रकार की उपलब्धियाँ, जरूरत की चीज़ नहीं है, सब बच्चों को आए दिन समस्या होता है, जैसे कि मोतिहारी से, बेतिया से या सीतामढ़ी से आते जाते रहते हैं, ना कैंटीन सुविधा है, ना शौच की सुविधा, आए दिन रैगिंग होते रहता है, किसी के साथ मारपीट, रैगिंग करने, यही हमारे यूनिवर्सिटी में हो रही है। कर्मचारी का भी कमी है, एक एक व्यक्ति 10-10 पोस्ट संभाले हुए हैं, कैसे हो रहा है इसमें? अगर सुधार के लिए बात किया जाए कि हाँ, ये पूरा सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे पूरा सिस्टम जो है कि पूरे तरह से ये सब जो हो रहा है इससे मुक्त हो सकता है, तो इस पर क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटी को? सबसे पहले जितना रिक्त स्थान है सबको भरना चाहिए, तभी काम दुरुस्त होगा, और जितना भी एग्जाम होता है वो एक ओएमआर पे ले, चाहे सब्जेक्टिव ले, जैसे भी ले, एक संगठित तरीका से ले, ताकि वो समय पे हो, बच्चे को दिक्कत ना हो। 3 साल के ग्रेजुएशन में 4 साल लगाया जाता है, 2 साल के पीजी में 3 साल 4 साल लगाया जाता है, सर्टिफिकेट देते देते बच्चा आते आते घबरा जाता है, अंत में किसी न किसी दलाल को पकड़ना पड़ता है, और वो दलाल जल्द से जल्द काम करा देता है। तो ये यूनिवर्सिटी की खासियत है कि दलाल को पकड़ो और काम जल्दी करवा लो। आए दिन संगठन वाले लोग, या बहुत सारे संगठन है, वो लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इस पे यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं वो एक्शन ही नहीं लेते हैं। अभी बिहार में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, और मतलब किसी को नौकरी नहीं लग रहा है, बिहार के युवा यहाँ से पलायन करने मजबूर हैं, और जो है कि बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। पढ़ के डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग पाता उनको, इस विषय में आप क्या कहना है? सबसे पहले तो हम इस विषय में अपने सरकार, जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी के साथ NDA गठबंधन में भाजपा है, वो जब चुनाव आ रहा था तो उस समय 19 लाख बहाली का उन्होंने वादा किया, जो चुनाव लगभग आज 5-6 महीने हो गए चुनाव के, लेकिन आज तक एक भी रिक्तियां का नहीं है, बहाली नहीं है, और जो भी बहालियां आती हैं उन सभी पर दलालों का अंकुश, दलालों का चढ़ाव है, वर्चस्व जमा हुआ है। जैसे कि अभी TET का बहाली हुआ है, 4-4 लाख रुपए लेकर लोग शिक्षक बहाली कराए हैं अपने जिला स्तरीय। सबसे बड़ी बात कि काउंसलिंग जो स्तर था वो पटना में नहीं, हर जिला में स्तर में कर दिया गया था, जो जिला के दलालों लोगों ने पैसा ले लेकर ये सब काम कराए हैं, और बेरोजगारी सरकार कोई सोच ही नहीं रही है, कुटी उद्योग खोल रही है। हमारे यहाँ जितना चीनी मिल, पेपर मिल, जितना मिले बंद हैं, और उस सारी मिले खुल जाए तो हमें लगता है 50% बेरोजगारी ऐसे ही दूर हो जाएंगे, प्लान करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और ये कौन मुद्रा लोन ले लो, रोजगार लोन ले लो, लोन मिलता कहाँ है? बैंक के चक्कर काटते काटते चप्पल पैर का घिस जाएगा, लेकिन लोन मिलता ही नहीं है। अच्छा, घुसखोरी पे क्या कहना चाहते हैं? घुसखोरी तो चरम सीमा पर है,
घुसखोरी चरम सीमा पे है। हर बैंक में जाइए लोन पास कराने के लिए 10% मैनेजर को दिया जाता है। हर जगह पे घुसखोरी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए तो मंत्री जी से लिखवा के लाइएगा तो पहले काम होगा। ये कहाँ का भाई है, मंत्री जी सबसे थोड़ी मंत्री जी होते हैं। हमने मंत्री को बनाया है, मंत्री हमको नहीं ना बनाया है। हमारे देश के तमाम जनता ने मंत्री विधायक को चुन के सर्वोच्च बनाया है उसको। ये लाइन में खड़ा होकर प्राथमिक स्वास्थ्य गांव के सभी गांव में पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। आप सभी गांव रिपोर्ट करके देख लीजिए, किसी पे डॉक्टर का सुविधा ही नहीं है। खासकर हमारे देवरिया में, धरफड़ी में, उसका बहुराज में हो गया, ये सब सरैया हो गया, ये सब जाके देख लीजिए। गाय बांधा रहता है तो किसी में बकरी बांधा रहता है, यही सब तो हो रहा है। अच्छा, अभी जो जातीय जनगणना बिहार में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जातीय जनगणना कराना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर कराना ही है तो आर्थिक स्थिति से कराएं, ताकि हर वर्ग में आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग हैं। जातीय जनगणना कराना कोई बड़ी बात नहीं है। जातीय जनगणना खर्च तो देखिए कितना खर्च जाएगा सरकार का, उसमें जाति हर जाति में कमजोर लोग हैं वर्ग। और आज भी जो सरकार जो भी फंड देती है, जो भी वैकेंसी निकालती है, वो तो बैकवर्ड को लोग निकाल रहा है, फॉरवर्ड करके निकाल रहा है। क्या तो ये बीसी है तो ये कम पैसा में भरेगा, ये जनरल है तो ज़्यादा पैसा में भरेगा, काहे ऐसा तो सरकार पहले ही से कर रही है। तो ये जातीय जनगणने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। पहले से ही जातीय जनगणना लोग अपने कर दिया है। वैकेंसी निकलेगा तो बीसी का अलग, जनरल का अलग, एसटी का अलग, एससी का अलग, तो जाति तो पहले ही लोग बांट दिया है। अब आर्थिक स्थिति पर देखिए ना, आर्थिक स्थिति पे करके देखिए तब पता चलेगा कि भाई आर्थिक स्थिति भी कुछ है हमारे बिहार में कमजोर। हर वर्ग में आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग, उन लोग को मिले। ऐसा बहुत सारे ऐसा योजना है जो कि जमीन तक आते नहीं, वहाँ से तो मुख्यमंत्री जी ऐलान कर देते हैं, आते ही नहीं है। जैसे हाल ही में अभी DAP जो खाद की समस्या थी, किल्लत थी, तो वहाँ 1260 या 70 का ऐसे ही था प्रिंट था, 1500 लोग रुपया लिया है, ब्लैक में 2000 में लोग बेचा है। तो ये सरकार कहती है करती कर दे तब ना। आरक्षण पे क्या कहना चाहते हैं? आरक्षण तो देते, आरक्षण से कुछ होने जाने को थोड़ी है। नहीं, जो अभी शिक्षा में आज आरक्षण जो दिया जा रहा है, शिक्षा पे आरक्षण पे क्या कहना है? आरक्षण तो वही देख ही नहीं रहे, आरक्षण वाले जितना है वो देख लीजिए ना, जितना आरक्षण के डॉक्टर है, आरक्षण के टीचर है, आरक्षण के क्या हर विभाग में जितने आरक्षण पे आए हैं उन सभी को जांच लीजिए। जो बे आरक्षण के आए हैं उन सभी को जांच लीजिए। आरक्षण पे आते हैं, नस में सुइया देना है, मांस में सुई दे देते हैं। अभी देखिए आरक्षण पे आज हॉस्पिटल में आँख, अगर वो सही से पढ़ के आए रहते तो आँख तो नहीं निकालते ना। उस सारी समस्याओं को जानते कि आँख के क्या दवाई है, क्या क्या देना है उनको, सबको वो समझते तब उनको देते। आरक्षण पे है, पते नहीं है उनको हमको क्या देना है दवा, देते चले गए, दे रहे हैं दवा, दे रहे हैं। जिसका आँख है उसका ना, वो डॉक्टर का क्या जाता है, वो तो आज है यहाँ दिल्ली जाके काम करेगा, विदेश चला जाएगा। हाल फिलहाल में अभी बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, जीतराम मांझी जो ब्राह्मण के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं, गाली दिए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? जीतराम मांझी अभद्र शब्द जो दिए हैं ना, तो उनसे पहले ये पूछ लीजिए कि आप सुबह सुबह उठकर किसको प्रणाम करते हैं। अब वो तो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम को मानवे नहीं करते हैं। राम काल्पनिक है तो आप राम को पूछते कहे हैं? राम काल्पनिक है तो आप पूछते कहे हैं? और वो हरामी जो पंडित को बोले हैं शब्द बोले हैं, और वो NDA को उनको हटा देना चाहिए अपने संगठन से, अपने गजेंद्र झा वही अगर बोल दिए जितने नमाजी का जीव काट के लाएगा तो भाजपा वाले ने हटा दिया। जो राम श्री राम का नारा लगा के चुनाव में आते हैं, वही राम श्री राम का ब्राह्मणों का अपमान को अपमान में बोला, अपमान के साथ उनका सम्मान के लिए बोला, उसी को अपमान उसको हटा दिए। और ये जितने नमाजी को रखे हुए हैं अभी तक, और उनका ब्राह्मण शादी भी कराता है तो श्राद्ध भी कराता है। और जितन अम्माझी को भी पता होना चाहिए कि जितन अम्माझी का भी श्राद्ध कोई ब्राह्मण ही कराएगा, ये उनको पता होना चाहिए। और उनके ने उनका हर खानदान का श्राद्ध वही ब्राह्मण कराएगा। उस दिन ब्राह्मण नहीं जाएगा तो चील कौआ की तरह लाश इधर उधर बिखर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा उनको। ब्राह्मण को गाली देते हैं, ब्राह्मण कुल के तो पैसे से ऊपर होते हैं। ब्राह्मण समाज है क्या है, तो जनरल है तो ब्राह्मण में आता है तो तुम 500 में भरेगा, और SC है, ST है, और नीचे अल्पसंख्यक है तो 100 में भरेगा। चार को तो हम दे रहे हैं ना, चार को तो ब्राह्मण समाज पैसा दे रहा है फॉर्म भरने के लिए।
और उसी ब्राह्मण से खाते हैं, ब्राह्मण को ही गाली देते हैं। ये उनका देखिए, अब उनको हमारे बहुत सारे संगठन है, सभी लोग उन पर अंकुश लगाए हैं, तब NDA वाले को हटाना होगा। तो आने वाले अच्छा, बिहार में विकास को लेकर के आपका क्या कहना है? विकास हुआ कहाँ है? आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ है? रोड बनवा देना विकास है? क्या विकास है? ना रोजगार है, ना कुछ है। अब लेटरिन तो बनवा दिए हैं शौच के लिए, गेटे नहीं है, उसमें पानी नहीं है। ऐसा भी हुआ है कहीं कहीं, लेटरिन का तो पैसा तो मिला है लेकिन लोगों ने उसको बनवाया नहीं। सब मुखिया खा गया है हमारे पंचायत में। मुखिया हमारे गांव का जो मालिक है, गांव का मालिक मुखिया ना होता है तो नीतीश कुमार जी वहां से विधायक को भेजेंगे। फंडित एक लिमिट कैटेरिया होता है जो इसके साथ से इसे ऊपर से डायरेक्ट तो नहीं ना आता है, आते 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 आता है। हमारे यहाँ 12 लाख रुपया लेटरिन का आया था, 2-4 लेटरिन बना है 12 लाख में। उसके बाद नल जल का सुविधा है, देखिए नल जल टंकी तो बैठ गया है, पानी नहीं जा रहा है। 15 वार्ड में 3 टंकी है, 15 वार्ड में 15 बनाना था। तो ये विकास है? बच्चा रोड पर मर रहा है, लोग भूखे मर रहा है, यही विकास है? ना सही से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में सही से, ना थाने वाले लोग सुरक्षित है, घुसखोरी थाने में। तो विकास है कहाँ? विकास दिख कहाँ रहा है? रोड बनवा देना विकास है। यहाँ देखिए गुंडागर्दी शुरू हो गया है, आए दिन देखिए चैन छीनता ही है, शराब माफिया वाले लोग घूम रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, और जो भी मर्डर है उसको उठा लिया। आए दिन साहिबगंज की एक घटना है, जो कुछ नहीं किया लड़का, पढ़ने वाले लड़कों को आर्म्स एक्ट में धके, पुलिस वाले साहिबगंज थाने वाले उसको लपेट दिए, जिसका एग्जाम था उस एग्जाम छुड़वा दिए। अफसरशाही है, विकास नहीं, अफसरशाही है। अब विकास देखिए ना ग्राउंड रिपोर्ट पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गाय बनाता है, थाने वाले लोग दारू बेच रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहें? ज्यादा बोलेंगे तो हम पे भी FIR लोग कर देगा, मानहानि का केस कर देगा कि सौरानंद देव गलती बोल रहा है। तो अपना भी हमको बचाना है। अब हम तो वो नीतीश कुमार है नहीं कि सरकार चला रहे हैं तो पुलिसों को चला लेंगे। अब DIG को दे रहे हैं शराबबंदी का ठेका कि तुम जाओ शराब खोजना। थाने वाले को देना है कि हर सप्ताह में 15 पकड़ना है। कहाँ से पकड़ेगा? 15 होगा तब ना, कि ऐसा ही पकड़ के लाद देना है केस कि चल जा बेटा कथी पर, मतलब किसी को भी भेज देना है टारगेट पूरा करना। तो नीतीश कुमार में अफसरशाही है, ले है अफसर सर लोग अफसरशाही है, दलाल लोग बैठा हुआ है अफसरशाही कर रहा है। आप जाइए किसी बैंक में सही से बोले डांट के भगा देगा, ब्लॉक में जाइए वीडियो से बात करने डांट के भगा देगा। एक आवासीय जाति आय के लिए 2-2 महीना लोग। अभी बैंक वालों ने हड़ताल किए हुए है निजीकरण के लेकर के, निजीकरण के विरोध में कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? काम लोग को करना पड़ जाएगा, निजीकरण अगर होता है तो प्राइवेट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा तो लोग को काम ज़्यादा करना पड़ जाएगा। अभी तो है कि लोग पंखा AC चल रहा है, अब मनमर्जी सर टाइपिंग करना है, प्रिंट करना है, अरे अभी बंद है सर पैसा निकालना, तो 12 बज गया अब नहीं निकलेगा। इससे थोड़ी परसों तरसों डेली के लाइन में लगा, PF निकलवाना है तो किसी दलाल को पकड़ लो, करना है तो अब निजीकरण हो जाएगा तो डेली का डेली लोग को ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा, खटना ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए बैंक वाले लोग हड़ताल कर रहे हैं। हाँ निजीकरण करना तो बिहार के जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उसको निजीकरण कर दे, जो कि हमारे बिहार में शिक्षक को महान दर्जा दिया जाता है, गुरु का सम्मान दिया जाता है, उन्हीं गुरु को कुछ आता नहीं है। अब बिहार में 80% जो शिक्षा मित्र बहाली हुए हैं, जो पुराने टीचर हैं, जो 50-50 हज़ार 60 हज़ार उठा रहे हैं, एक बच्चा उनका इंटरव्यू ले लेगा तो नहीं आएगा। हम खुद बच्चे हैं, हम खुद पढ़े हुए हैं शिक्षक से, शिक्षक के बारे में गुरु के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर उनसे अगर पूछ लिया जाए तो वो खुद नहीं आएगा। पढ़ाते हैं जैसे कि अब बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो थे जब वो शिक्षा ग्रहण शपथ ग्रहण ले रहे थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे कि 2020 का स्वागत कर रहे हैं। भाई 2020 में तो मुख्यमंत्री नहीं बने, 2020 है, 2020 बोल रहे हैं। देखिए ना यही तो शिक्षा है जो 2020 कहा जा रहा है और बिहार की राजधानी दिल्ली बताया जा रहा है, यही शिक्षा व्यवस्था भी है। हाँ नीतीश कुमार भी और स्मार्ट क्लास शुरू किए थे, स्मार्ट क्लास नीतीश कुमार शुरू किए थे कि कंप्यूटर भेज दिए, बच्चा को दिया जा रहा है। कोरोना काल में वो कंप्यूटर का कहाँ उपयोग गया, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, PDF भेजा जाता है सारे बच्चों को, तो स्मार्ट भेज दिए, लेकिन स्मार्ट टीचरवा कहाँ है? टीचरवा कहाँ है? दूसरे को कहते हैं कि आपके यहाँ में जंगल राज है, आपके यहाँ में क्या है, अफसरशाही राज है, जंगल राज नहीं अफसरशाही राज है। अब कंप्यूटर भेज दिए, कंप्यूटर चलाने वाले को भेज दिए। हम जिस स्कूल में पढ़े आज तक उस स्कूल में हम पर हेडमास्टर देखे ही नहीं,
पढ़ाने पर काम चल रहा है। कभी चावल चोरी का उड़दांग होता है तो कभी ड्रेस पैसा का चोरी हो जाता है, कभी बुक का पैसा चोरी हो जाता है। यही से तो हो रहा है, यही विकास है नीतीश कुमार जी के शासन में। अभी आपने देखा सर्वानंद भाई को, जो कि बिहार के वर्तमान जो भी बात है उन्होंने रखा, अपना पक्ष रखा। और जैसे हर सिस्टम में भ्रष्टाचारी है, घुसखोरी है, बिहार में विकास हुआ कि नहीं हुआ, सारे मुद्दों पर बातचीत किया इन्होंने। आप कितने परसेंट इनके बातों से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।